ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल सोल्जर पर। स्वरा भास्कर ऐसे जो हैं, देश में वामपंथी इतने ज़्यादा पैदा हो गए हैं, इनको लगता है कि देश जो है, इनके बाप दादा शायद मुगले थे। पूरे देश में इनकी हुकूमत है, जिनके मन में जो आएगा ये वो बकेंगे, जिस मर्जी धर्म के लोग टारगेट करेंगे। आज जो है हमारे साथ देख सकते हैं, हमारे करण भाई हैं, अमित जी हैं, ये एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं। और मैं चाहूंगा सर, ये हमारे जो है पायलट साहब हैं हमारे, एक बार नाम बता दीजिए। अजय अजय कुमार पायलट अजय कुमार जी हैं। अजय कुमार जी इसलिए हैं क्योंकि तालिबान जाने का बहुत मन है स्वरा भास्कर जैसे तमाम लोगों का, जो तालिबानियों की बहुत तारीफ करें। तो हमारे पायलट साहब जो हैं स्पेशली इसीलिए आए, भास्कर जो है फ्री लेकर जाएंगे, वहां पे छोड़ कर आएंगे, और उनकी जो मन की तमन्ना है तालिबानियों के साथ ज्यादा दोस्ती करेंगे, उनकी तारीफ करेंगी, वो शायद पूरी हो जाएगी। तो पहले जाना चाहेंगे एडवोकेट करण साहब से। करण जी, बहुत ज़्यादा रोष है, बहुत ज़्यादा क्रोध है, इस पर हमने लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट भी कर दी है, मोस्ट प्रॉबली एफ आई आर हो भी जाएगी कल तक, आज लीगल नोटिस बना भी दिया है। आप ऐसे मुद्दे पे क्या सोचते हैं बतौर एडवोकेट और एज अ नॉर्मल नॉर्मली सिटीजन ऑफ इंडिया? साहब, पहले तो बात करते हैं हम यहाँ पे डेमोक्रेसी की। और डेमोक्रेसी में सबको हक है अपनी राइट्स को रखना, लेकिन अपने राइट्स को रखने के साथ साथ आपको ये हक नहीं है कि आप हिंदू सभ्यता की धज्जियाँ उड़ाएं और कुछ एक ऐसी बातें कर रहे हैं जिसमें कि आप ट्रेंड नहीं है, आपको पता नहीं है, आपकी फील्ड नहीं है। इफ़ ट्रेंड पॉलिटिशियंस टॉक ओवर दीज लाइन्स वी अंडरस्टैंड, बट आप कुछ अपना पॉलिटिकल स्टंट और गॉड नोज वेयर यू कम फ्रॉम एंड यू ट्राइंग टू द हैप्पीनेस ऑफ आर सोसाइटी, आप पूरी सोसाइटी को, दैट ऑल्सो बींग अ लेडी, आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। और तालिबान क्या है आपको खुद से नहीं पता है, और आप कितनी सारी औरतों को स्टेक पे ला के ऐसी ऐसी लाइनें दे देते हैं विच शुड नॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल बाय आर इंडियंस। सो इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन कि आप इस तरीके से आके इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, जिसका कि हम लोग बहुत सख्ती से विरोध करते हैं, और हम इसका एक मुकदमा दर्ज कराएंगे और आपसे जवाब मांगे जाएंगे इन दी लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। तो देखिए, अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, एक यूट्यूबर जो है भगवान श्री नाम राम का नाम लेके गालियां दे रहा था, उसका चैनल भी सस्पेंड करवा दिया गया था, फिर उसने शायद ईमेल वगैरह के वापस आ गया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वो खुद अभी हवालात के चक्कर काट के आया है और अभी तक वो पीछे ही है, सामने नहीं आ रहा है। तो ऐसे तमाम लोग जो सोशल मीडिया को अपने घर की जागीर समझते हैं, आके गाली गलौज करना एक दूसरे के धर्म के बारे में, मैं यहाँ पर किसी एक की बात नहीं कर रहा, कोई भी किसी भी धर्म के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ करता है जिससे कि दंगे फैल सकते हों, जिससे कि भावनाएं आहत होती हों किसी भी धर्म की, तो मुझे लगता है बिल्कुल भी सही नहीं है। और ऐसे लोगों को तब तक समझ में आता है जब तक कि कोर्ट के चक्कर नहीं काटते, पुलिस से इनके सोटे नहीं पड़ते। इन्हें लगता है कि यूट्यूब रूम में बैठ गए, यूट्यूब में कुछ भी बना लिया और काम हो गया। अभी हमारे जो है वकील साहब अमित जी इस पर अपनी टिप्पणी रखेंगे। अमित जी देखिए, मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है जो मेरे को समझ आता है और जो मैं इनसे भी समझना चाहता हूँ, कि अगर आपको देश से और देश के अर्थव्यवस्था से इतनी प्रॉब्लम है तो आप तो कहीं भी वेलकम है, आप यहाँ से छोड़िए, आप कहीं भी जाके और रह लीजिए। आप इस देश के बारे में उल्टा ही बोलते हैं और यहाँ रहते भी हैं। आप एक चीज़ बताइए, मेरा आपसे एक सवाल है, आप इसी देश में काम करते हैं, इसी देश से कमाते हैं, इसी देश का टैक्स देते हैं, ठीक है, ये देश आपकी टेक केयर करता है, और उसके बाद आप इसी देश को गालियां देते हैं। देशद्रोह जो है वो हमेशा बाहर से नहीं होता, ये भी एक फॉर्म है देशद्रोह का जो हमारे देश के अंदर से होता है। तो इस चीज़ को आपको, आप एक ऐसे फील्ड में हैं जहां लोग आपको मेंटोर करते हैं, जहां लोग आपको देखते हैं, आपकी बातों से कुछ असर पड़ सकता है, तो उन आप वो बातें कीजिए जिससे यूथ को या आने वाली हमारी पीढ़ियों को कुछ अच्छा मिले। देशभक्ति की बातें कीजिए अगर, और अगर नहीं करनी तो आप ये देश छोड़ के जाइए। आपको जीरो सब्जेक्ट नॉलेज है, ना ही आप एक ट्रेंड पॉलिटिशियन है, ना ही जर्नलिस्ट है, ना ही आप किसी ऐसे फील्ड से आते हैं जहां आपको, अगर मैं ये पूछ लूं व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेक्निकली मींस, बिलीव मी यू विल नॉट बी एबल टू इवन आंसर इट। बट आपका क्या है, फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू यू, आपको शायद कोई माइलेज चाहिए, आपने सिर्फ एक टिप्पणी कस दी, दिस इज सो रॉन्ग, बी अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल। एंड जो आपने किया है, एज कर्मा कम्स अराउंड, इसकी लीगल कार्रवाई है हम जरूर करेंगे, एंड वी विल लीव इट टू द बेटर जजमेंट ऑफ द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। शायद आपको तब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री थोड़ी समझ भी आ जाए और आपको तब पता चलेगा कि हिंदुत्व इज नो टेररिज्म। हम लोग अपने देश के लिए खड़े होते हैं, हाई टाइम आपको भी होना चाहिए। एंड यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टू आवर रिलीजन टू विद इफेक्ट। और स्वरा भास्कर को कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गलत फहमी में शायद वो घूम रही है, उसको लगता है कि बस लोग ट्वीट करते रहेंगे, कोई एक्शन नहीं लेगा,
तो जाके अपनी सहेली से पूछ रहे ना जिसने आर्मी के ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी करी थी और अपनी एक अश्लील वेब सीरीज में आर्मी के बारे में गलत चरित्र दिखाया था, उसका क्या हुआ था एक बार जाके पूछ लेना या फिर एक बार मेरा नाम गूगल पर सर्च कर लेना। अभी कैप्टन साहब हमारे साथ हैं। कैप्टन साहब, मैं चाहूँगा कि आप भी जरा अपने कुछ दो शब्द रखें। सबसे पहले रिस्पेक्टेड मैडम से मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो हिंदुत्व टेररिज्म वर्ड ये यूज़ करते हैं ये कहाँ से आया है, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है ना हमारी कंट्री में या दुनिया में कोई भी कंट्री ने इस वर्ड को डेजिग्नेशन नहीं दी है। वी डोंट नो वेयर दिस वर्ड हैज़ कम फ्रॉम। कोई दुनिया की सारी कंट्रीज जैसे अमेरिका है, उन्होंने LTTEIS जो भी हैं टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको रिकग्नाइज किया है, पर ये जो वर्ड है ये सिर्फ इंडिया में ही सुना है, दुनिया में मैंने तो और कोई नहीं सुना, क्योंकि एज अ पायलट 25 साल मैंने फ्लाइंग करी है, पूरी दुनिया में फ्लाइंग करी है, ये वर्ड मैंने कभी नहीं सुना। सारी कंट्रीज़ में वो अपने रिलीजन्स को दूसरे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते हैं, बातें होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, डिबेट्स होती हैं, पर कभी भी मैंने किसी भी खुद के कंट्री वाले को अपनी कंट्री के बारे में अपनी कंट्री के लोगों को टेररिस्ट बोलते हुए नहीं सुना है। और मेरी दोस्ती जो है वहाँ की आर्मी पर्सनल से, पुलिस पर्सनल से, जो कि सेफ्टी ऑफ द कंट्री, सेफ्टी ऑफ द पीपल सबका ध्यान रखते हैं, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं है वहाँ पे कौन कौन से रिलीजन से आता है। दे डू देयर ड्यूटी इक्वली फॉर एवरीबडी, विच आई हैव सीन इट विद माई ओन आईज। तो ये जो वर्ड है हिंदुत्व टेररिज्म, ये क्या है, ये प्लीज़ एक बार मैडम एक्सप्लेन कर देंगी कि कहाँ से आया है, इसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, इस वर्ड को कौन रिकॉग्नाइज करता है, कौन सी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, तो मैं उनका बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू। ये सौरभ जी, आपके लिए सवाल पूछे नहीं जा रहे, सारे सवाल आपको कोर्ट में देने पड़ेंगे, आपके लिए हम आसान कर रहे हैं आपका केस, कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपसे जवाब लिए जाएंगे कोर्ट के अंदर। यू आर आंसरेबल नाउ टू द कंट्री एंड वी विल टेक आंसर्स फ्रॉम यू। अच्छा, ये जो हमारे देश को जो है लोगों ने कुछ मजाक समझा हुआ है, ये कुछ इस टाइप के कुछ कट्टरपंथी वामपंथी सोच के जो लोग हैं, मतलब आए दिन जो है दंगे भड़काने की बातें करते हैं, हमेशा से कास्ट रिलीजन को लेके अपने भद्दी टिप्पणियां करते हैं जिससे कि दंगे भड़क जाएं। इतना ही नहीं, ये भूल जाते हैं कि हम किस धरती पे हमने जन्म लिया, ये खुद जो है हिंदुस्तान में रहती हैं और हिंदुस्तान के बारे में इतने गलत शब्द इन्होंने बोला, ये शायद भूल गए कि महाराणा प्रताप की धरती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, यहाँ पर न जाने कितने वीरों ने अपनी शहादत दी है देश की आज़ादी के लिए, और आज़ादी का ये लोग ये सलाह दे रहे हैं। तो भाई, हमने तो अपना स्टैंड बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है अपने टीम के माध्यम से, रॉज सोल्जर के माध्यम से, आज लीगल नोटिस शूट कर दिया गया है, अभी जो है FIR भी जल्दी हो जाएगी और आपसे जो है कोर्ट में मिलूंगा मैं, मेरी बहुत तमन्ना है आपसे मिलने की, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। और बाकी जो जितने भी लिब्रांडूज हैं इनकी गैंग के, जिनको लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश को तोड़ने के हम नारे लगा देंगे और आगे कुछ ही बकवास कर देंगे, और सोशल मीडिया तो खाली आके बस वीडियो बनाता है, तो हमारे जैसे भी लोग हैं सोशल मीडिया पे जो वीडियो बनाते भी हैं और साथ में सबक भी सिखाते हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहना, बच के रहना, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। और दोस्तों, आपके कहना चाहते हैं ऐसे लोगों के बारे में, कमेंट में अपने विचार बहुत ज़रूरी आपके रखना, तो क्योंकि आपके जो विचार हैं हर किसी तक पहुँचते हैं, लाखों व्यूअर्स तक पहुँचते हैं, और उस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। और पहली बार यदि आप देख रहे हैं अपना चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ग्राउंड रियलिटी और जो रियल वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच सकें। और यहाँ पे सिर्फ वीडियोस नहीं बनते, एक्शन भी लिया जाता है, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पास में बहुत हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय हिंद।